भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्री इरफान में। तो मेरे भाइयों, सभी को मेरी तरफ से राम राम, सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। आज मैं आया हूँ एक हॉरर लोकेशन पे, और इस हॉरर लोकेशन को मुझे बताया है बाबा जी ने। तो आज मेरी टीम में मेरे साथ में है इरफान भाई, इम्तियाज भाई और मैं, और तौसीफ भाई, और कैमरे के पीछे फिरोज भाई। भाइयों, यहाँ पर एक अपने पुरानी शमशान है, वहां पर कोई बबुल का पेड़ है, उसके पास में मेरे भाइयों एक कोई तांत्रिक कोई आकर बैठा है वहां पर, जिसको मुझे अघोरी बाबा ने बोला था कि वो कौन है, कहां से आया है, उसकी पूरा डिटेल्स निकाल के मुझे अघोरी बाबा को देनी है। तो मेरे भाइयों, मैंने बाबा जी को वहां पर बोल दिया था कि बाबा जी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, और मैं वहां पर जाके जरूर मैं पता लगाऊंगा कि वो कौन है, और मतलब वहां पर क्या आके वो मतलब कौन सी विधि विधान कर रहा है। तो बाबा जी ने मुझे बताया था थोड़ा बहुत कि वो कोई बच्चों की बलि वगैरह देता है और ऐसे गलत काम कर रहा है कि जिसके कारण लोग वहां पर लोग की भीड़ उमड़ती है और लोग उससे पास में से काम करवा रहे, जैसे बच्चों की बलि देना, बच्चे मतलब के कोई मतलब नहीं बोलते वो फैलदा नहीं होते, तो उनको मतलब के काला जादू, काली साया, काला तांत्रिक विद्या करना। तो मेरे भाइयों, उसका पता लगाने के लिए मुझे आज अघोरी बाबा ने भेजा है। तो आज पहले हम 3-4 कमेंट शॉर्ट आउट में दे देते हैं, फिर हम चलते हैं उसी पुरानी शमशान घाट पर जहां पर वो तांत्रिक अपना विधि विधान करता है। आज वो वहां पर होगा कि नहीं होगा वो हमको पूरा पता नहीं है, बाकी बाबा जी ने बोला है तो जरूर वो वहां पर होगा। तो इम्तियाज भाई, पहले हम शॉर्ट आउट में 2-3 कमेंट ले लेते हैं। तो मेरे भाइयों, ये थोड़ा ऐड आ रहा है इसके कारण, 2 मिनट। तो मेरे भाइयों, जो पहली कमेंट है मैंने ऊपर डाली हुई है, और इस कमेंट का नाम है टेक्निकल लूसीफर, और ये कमेंट मैंने कल भी पढ़ी थी, आज भी पढ़ लेता हूँ। इरफान भाई, आपकी वीडियो सारी मैं देखता हूँ, और आपकी इतनी मेहनत करते हो, आप इतनी मेहनत करते हो हमारे लिए और आपकी फैमिली के लिए, आपको बहुत ही अच्छा इंसान हो, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, तो थैंक यू सो मच टेक्निकल लूसीफर। आज एक कमेंट आई थी मेरे भाइयों, जोशी कुंवर ने लिखा है, हमारे बाबा जी फिर बता दीजिए, इन्होंने लिखा है मेरे भाइयों, हमारे बाबा जी का कहना है कि धर्म सारे एक हैं और कोई अलग नहीं। तो ये बात अच्छी बात कही। और मेरे भाइयों, अगर मैं किसी की भी धर्म का पालन करता हूँ, और मैं सभी को बोलता हूँ कि सभी लोग धर्म का पालन करें, और भाइयों मुझसे अगर किसी वर्ड में गलती हो जाती है तो आपका छोटा भाई समझकर, और छोटे जो मेरे बड़े भाई देख रहे हैं वो छोटा अपना बच्चा समझकर मुझे माफ कर देना मेरे भाइयों, अगर कोई भी वर्ड गलत निकल जाता तो। मैंने वहां पर उस दिन कॉन्ट्रोवर्सी करने की नहीं सोची थी, बाकी थोड़ा बहुत मेरे भाइयों से बता दिया कि ऐसे ऐसे लोग, और एक 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 मछली की वजह से पूरा तालाब खराब हो जाता है मेरे भाइयों, तो वो भी बात मैं नहीं कहना चाहूंगा कि अब चलो छोड़ो, वो बात हुई थी जो हो गई, मेरे मुंह से भी निकलना था वो निकल गई। बाकी भाइयों, आइंदा से सभी धर्म का हम पालन करेंगे, और ये कसम खा लो आप कि हम सभी धर्म को फॉलो करेंगे और सभी धर्म का मतलब के आदर्श करेंगे मेरे भाइयों, किसी भी धर्म को हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे। तो दूसरी जो तीसरी जो कमेंट है मेरे भाइयों, ये है सुरेश बिश्नोई भैया, तुम्हारा रोज वीडियो देखता हूं और ऊपर से दुखी आत्मा, मतलब ये क्या लिखा, ये तुम्हारा रोज वीडियो देखता हूं और ऊपर से दुखी आत्मा, तो मतलब दुखी आत्मा मतलब बहुत होती है मेरे भाइयों, आत्माओं को बहुत दुख होता है, और मतलब जो मतलब के अकाल मौत मेरे भाइयों, जो कि अगर उसकी कोई इच्छा थी और वो मर गया उसको बोलते अकाल मौत, ऐसी अगर मौत किसी को भी आ जाए तो वो आत्मा जरूर भटकेगी। और तीसरा कमेंट है मेरे भाइयों गुन्ना का, मेरे भाइयों जो कमेंट है उन्होंने आज फिर से किया था, और वो हमारी वीडियो देखती है और वो हमको फुल सपोर्ट करते हैं, तो थैंक यू सो मच गुन्ना जी। और एक पांचवा जो कमेंट है मेरे भाइयों, वो मुझे एक इंस्टाग्राम पर आया था, उनका है मेहंदी बानू, थैंक यू सो मच, आप हमारी वीडियो देखते हैं इसके लिए, और अल्लाह से और मैं सभी भगवान से मैं दुआ करूंगा, आपके लिए मन्नत मांगूंगा कि आप जल्दी से जल्दी आपके जो भी आप मतलब कि इंस्टाग्राम पे वगैरह आपके फॉलोवर्स बढ़ाने, हम तो नहीं बढ़ा सकते, बाकी आपके जल्दी बढ़ जाएंगे फॉलोवर्स वगैरह, और आपकी वीडियो अच्छी चलेगी मेरे भाइयों, और बाबा जी से मैं जब मिलूंगा। और एक जो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, एक भाई है मेरे भाइयों, तो मेरे भाइयों
एक मेरे भाई का मैसेज आया था मुझे इंस्टाग्राम पे, उनका नाम कोई फैसू करके था, और उन्होंने मुझे बोला कि इरफान भाई एक मेरी सगाई होने वाली थी उसमें साला कोई डिस्टर्ब कर रहा है उनको, मतलब कि वो साला जो है उनके बीच में टांग अड़ा रहा है और उनकी मतलब सगाई नहीं होने दे रहा है। तो मेरे भाइयों ऐसे मत करो आप, और मैं बाबा जी से बोल के उनके लिए ऐसी ऐसी मतलब के क्या बोलते हैं उनको, दुआ ऐसी दुआ करवाऊंगा मेरे भाइयों के उस साले को, तो मतलब के पीछे हटाकर उसके भाई की जरूर सगाई हो जाएगी जिस लड़की को वो चाहता है मेरे भाइयों। तो अब आपका टाइमिंग में ज्यादा वेस्ट नहीं करता हूँ, अब हम चलते हैं क्योंकि हमको लेट हो गया। और हाँ गूगल टाइम बता दीजिए, भी आप बता दीजिए। एक बात करो भाइयों, दोनों फोन में आप गूगल टाइम बता दो, आपका कौन है, तीनों फोन में गूगल टाइम बता दो लोगों को। गूगल टाइम फॉर इंडिया, द टाइम इन इंडिया इज गूगल टाइम इंडिया, गूगल टाइम फॉर इंडिया 12 बज गए। अब देखना मेरे भाइयों, गूगल टाइम फॉर इंडिया, गूगल टाइम इंडिया, भारत में शनिवार को समय रात के 12:01 है। इसमें भी देख लो मेरे भाइयों, 12:01 है और आज 12:01 है और आज मेरी टीम और मैंने 12 बजे आने का क्यों सोचा मेरे भाइयों, क्योंकि मुझे का पूरा पता निकालना है, क्योंकि बाबा जी से मैंने वादा किया है कि मैं जो भी उन्होंने मुझे बोला है उस पर मैं अड़ा रहूंगा, और मैं उनकी जो भी उन्होंने मुझे पहली बार काम बोला है उस पर मैं मतलब कि निठल रहूंगा, और वो उनका काम मैं पूरा करके और पूरी जांच पड़ताल करके मैं बाबा जी को बताने वाला हूँ। तो अब मेरे भाई ज्यादा टाइमिंग आपका भी वेस्ट नहीं करते, तो जो भी बंदा चैनल पर नया है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मेरे भाइयों आपका अपना चैनल समझ के चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अच्छी से अच्छी हॉन्टेड लोकेशन की वीडियो आती रहेगी आप तक, देखता रहे आपका अपना चैनल हिस्ट्री। आग लग रही, आग लग रही, इसमें भी टॉर्च मत करना, टॉर्च मत करना, इसमें बच्ची की रोने की आवाज आ रही है। कोई बाबा बैठा है ना, बाबा बैठा है, और कोई है साथ में, कोई है, कोई है साथ में, देखो सामने सामने दिख रहा है, कैमरे में दिख रहा है, अरे वो मुंडी लगा रहा है, दिख रहा है क्या, लाइट करो, लाइट करो, ये कोई है ऊपर, ये देखो, ये देखो थोड़ा सा जूम करो, तो जूम करो ये वही पेड़ है, ये वही पेड़ है, ये बबूल का वही पेड़ है, पास में चलते, पास में, ये तो नहीं है, ओ इफ़ाम भाई पीछे से आ, पीछे से चले गया भाई, मुंडी ला रहा, पीछे से आ, 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 भाई ये पेड़ों पे क्या लटक रहे, ये दिखाना था, लाइट कर रहा था, टोटल ये बच्चों का, ये बच्चों को कैद करने की चीज़ है, कैद करने, ये कुछ गंदी विद्या कर रहे भाई, और उसकी मुंडी देखो, और सही बोल रहा हूं, ये जगह पर देखो, इसमें अरे डर लग रहा है, और उसकी मुंडी देखो कैसी है, तो बाप रे बाप, मुंडी देखो कैसी, ये कोई बड़ा तांत्रिक है, ये देखो इसको, ये कोई बड़ा तांत्रिक है, इसे मैं टॉर्च मत करो, उम्र में ज्यादा दिख रहे बाबा, इसकी उम्र बहुत ज्यादा लग रही है मेरे को, फिर भी, और ये कोई कितना खतरनाक, ये देखिए, ये देखिए इसका चीला, कोई ये देखो उसके हाथ में कुछ है, हाथ में कुछ, हाथ में कुछ है, कौन कौन हो तुम, कौन हो तुम, और यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो जैसे कई मूर्खों को यहाँ लटका के रखा है, देख ले एक नजर आके, अभी पता चल जाएगा, अरे बाबा जी, अरे गुस्सा गुस्सा गुस्सा, ठीक यहाँ पे रेखा, तेज लक्ष्मण रेखा जल्दी, ए क्या कर रहे हो तुम इधर, यहाँ बस तुझे बताता हूँ क्या कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ, अरे तुम पकड़ो लाइट, इरफान भाई क्या कर रहे हो तुम इधर,
काली बितिया करा, काली बितिया करा मेरे भाइयो, पूरा शरीर दूध रहा। अरे यार काटे इधर तो, एक मिनट। ओ गॉड, इरफान भाई को खड़े करो। ओ गॉड, काटा लग गया यार। पूरे खत्म कर दिया, खून खच्चा कर दिया भैंसी इसने हमको यार। यार फिरोज भाई यार सही लगी तो नहीं यार, भारी हो रहा है। लगी तो नहीं, अरे यार ये तो भी यार फिर भारी हो रहा है यार। अरे यार वो बाबा जी लग गया यार, हैवी हो काटा हो रहा है हमारे ऊपर, हैवी हो रहा है यार। फिरोज भाई ऐसा लगा जैसे कि मतलब कि भाई मुझे इसे ये मगन हो गए। मेरी बात सुनो भाई, मुझे इसके पूरे वो जहाँ पे वो बैठा है ना उसकी पूरी शूटिंग चाहिए। ओ गाइस, ओ इरफान भाई को कहां देखा जा रहा है? ओ इरफान, ओ बाबा, अरे समझते नहीं हो। चलो यार, चलो यार, ये देखो चलो। ओ अबे खड़े जाओ, निकलो यार, निकलो जल्दी, खड़े करो यार, निकलो यार। अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, निकलो यार। अरे भाई क्या हो रहा है यार, उठाओ 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 उठाओ, अरे बंद कर दो, ये बंद करो भाई, बंद करो। सूरज भाई, भाई सूरज बाबा के पास में वापस जाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, अब नहीं जाएंगे इरफान भाई। अरे यार वो बहुत डेंजर है यार, घूम रहा है मेरा यार, ये चैन भी टूट गई, रखो तो यार सीने में कंजर। ओ भाई क्या हो रहा, क्या हुआ, वापस लेके जाओ, वो मार देगा मुझे, मार देगा मुझे, मारेगा। अरे तुम ले जाओ यार, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। आईफोन भाई ऐसे मत करो यार, सूज भी वापस रह गए, सूज जो टॉर्च भी वहाँ रह गई है, क्या करना, चलना पड़ेगा यार। वो अरे अरे इरफान भाई, अरे भाई पानी लेके, अरे यार क्या हो रहा है यार, उसने यार क्या कर दिया यार, क्या हो रहा है तुमको, क्या हो रहा है, चलना पड़ेगा उस, क्या हो रहा है तांत्रिक के पास, उसने इरफान भाई वो तांत्रिक हमारे को हावी हो रहा है, नहीं जा सकते उसके पास, समझो यार इस बात को। अरे भाई उसने जो गुड़िया थी उस गुड़िया के ऊपर जो कंजर चला रहा, वो ऐसे लग रहा है कि मेरे सीने में लग रहा है यार। यार यार सिट, क्या कर, अरे भाई एक काम कर, चले माफी मांगनी पड़ेगी, चलो बाबी से माफी मांगनी पड़ेगी, चलो उठो। लाइट करना था यार, पैर के कहां पे लगी बताना, तो ये पूरा पैर दो मिनट यार पकड़ के रखना, इधर से देखो यार, पैर कैसे हो गया, पूरे मिट्टी मिट्टी हो गई, खून भी आ रहा है, माफी मांगनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी बाबा से यार।
ये मेरा शूज भी देखो यहाँ पर पड़े पहना पहना हुआ है। अरे टॉर्च वहाँ पड़ी है टॉर्च की यार यहाँ पे जिंदगी की पड़ी और तुमको टॉर्च की पड़ी ज्यादा ज्यादा लग गई यहाँ पे जिंदगी की पड़ी और यार तुमसी कोई को टॉर्च की पड़ी। बाबा जी बाबा जी मुझे क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे बाबा जी माफी मांगना है माफी मांग रिफंड पर मुझे आगे लिखो बाबा जी बाबा जी सूरज जी एक बार माफ कर दे हमें बाबा जी बुला रहे बाबा जी बुला रहे स्थान ग्रंथ है। हाँ बाबा जी इरफान क्या क्या कर रहे हो चाय क्या एक बार एक मिनट इरफान रुको यार नहीं यार मैं मेरा मन नहीं मान रहा यार मत जाने दो यार खंजर डाल रहा है मेरे ऊपर यार। अरे इरफान वैसे ना तुम पीछे रहो तुम सब पीछे इरफान भाई यार सब बात गुरुदेव भाई 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 दूर स्थान ग्रहण कर आजा मोर कुछ नहीं होगा तुझे आजा बैठ यहां ओ ओ ओ क्या कर रहा है अरे यार बहुत बहुत डेंजर है वो यार बहुत भयानक है यार। अरे यार वो गॉड मैंने खुद मेरा बोला वो बुला रहे हैं लेकिन बाबा हमारे अटैक कर रहे हैं वो बाबा जी हमको वापस बुला रहे हैं वो बुला के मतलब हमारे साथ धोखा करना चाह रहे वो लोग क्या करें भाई हम चलना चाहिए फिर उधर हमको यहां से लाइट भी बंद हो गई है। अरे यार टॉर्च काम नहीं कर रही है टॉर्च काम नहीं कर रही है दो मिनट बैठो टॉर्च काम नहीं कर रही है बैठो ये हर जो बाबा होता है हर एक जैसा नहीं होता ये जो बाबा है ये काली विद्याओं का बहुत ही बड़ा बादशाह और इसको बोलते काली विद्याओं का बहुत ही बड़ा मतलब की राजा ये मतलब कि इसकी जो काली विद्या है अंतर सीमा पर मतलब ऊपर है इसकी काली विद्याओं का जो चरण सीमा है वो बहुत ही ऊपर की लेवल की है मेरे भाइयों जो ये इसके पास में ऐसी कौन सी विद्या है जो हमें मेरे भाइयों एक सिर्फ इसके जो मंत्र से हम लोट पोट पूरे हो गए मेरे भाइयों पूरा पैर पूरा हाथ पूरा मेरे भाइयों शरीर आप लाइट कर सूरज भाई सूरज भाई के साथ में जाके लाइट करके बताइए वो हमारी मौत से खेल रहा है हमारी मौत के साथ में खेलना चाहता है वो हमारी जिंदगी बाबा जी कुछ कर रहे वो वापस से अपनी काली विद्या करने लग गया भाई खड़ा खड़ा देखो खड़ा पीछे भाग रहा है अभी हम यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई बहुत डरावना वो यार उसके साथ है वो बहुत खतरनाक है उसके साथ मेरे भाइयों ये जो खेल रहा है ना भाइयों ये हमारी मौत के साथ में हमारी जिंदगी के साथ में खेल रहा है और इसको हमको कैसे भी करके वाला बाबा ये हम अगर अकेले गए तो हमारी मौत हो जाएगी हमारी मौत मौत हो जाएगी को हम उसके हाथों में देखकर आ रहे हैं। हमको जाना नहीं है क्योंकि अभी उसने मेरे साथ में किया मैं नहीं चाहता कि आपके साथ में करें बाकी ये हमारी मौत के साथ में खेलना चाहता है ये इधर जितने भी ये लटक रही है उसके वो आत्मा ये क्या वो गुड़िया लटक रही है इस गुड़िया में मेरा भाइयों कहीं आत्माएं बंद है और उसने जैसे उस एक गुड़िया को उतार के वहां पे खंजर चलाया मेरे यहाँ पर लगा वो खंजर बहुत ही खतरनाक है वो तांत्रिक बहुत ही खतरनाक है मेरे भाइयों मैं तो बोलता हूँ हमें अघोरी बाबा से वापस चलना पड़ेगा अघोरी बाबा के पास में चलना पड़ेगा वहाँ चलना पड़ेगा हमारे बस की यहाँ पर कुछ भी नहीं है अघोरी बाबा को जाकर बताएंगे कि वहाँ पर कैसी चीज थी कैसी चीज नहीं थी वो कैसे तंत्र विद्या कर रहा है उसने देखा मेरे को जब उसने पकड़ा मैं एकदम से लेट गया था वहाँ पे
और वो मतलब कि एक मतलब कि वो तांत्रिक आया, उसने मेरी एक टांग पकड़ी और मेरे भैया तुमने जितना पकड़ा पर उसने मुझे पूरी ताकत लगाई, छूट रहा नहीं था वो। एक बार वीडियो में कैसे कर लेते वो बरस दिखाई नहीं दे रहे साहब उसके अंदर। मैं और फिरोज भाई दोनों जाके एक बार कैसे पीछे से जाते हैं उनके पीछे से जाके कैसे करते हैं। अभी बोला मैं पीछे साइड में तीनों चलते, तुम यहां पर ही रहो, तुम यहां पर ही खड़े रहो, तुम यहां पर ही रहो, तुम्हारी जानकारी कम नहीं लेना चाहते। एक काम करो भाइयों, बहुत ही काम करो मेरे भाइयों, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही खतरनाक तांत्रिक है। अगर इस तांत्रिक के अगर हाथ के अगर हम आ गए तो हमारी जिंदगी साफ खत्म, हमारा खेल खत्म। एक बार और देखते हो तुम इधर ही रहो, तुम इधर ही रहो, ठीक है ठीक है, तुम्हारा कोई काम नहीं होगा ठीक है। तुम अगर आ गए उसके चंगुल में तो यहाँ से छुड़ा कर भागना भी हमारे पास नहीं है। कैमरे में कैचअप करना, ठीक है ठीक है। फिरोज भाई देख, वो देख काली विद्या यहाँ, ये काला सा ये डेंजर है, ये आ रहा है ना, लाइट करो, लाइट करो इसके ऊपर। हाँ ये इसके मुंह पे करो, मुंह पे, मुंह पे, ये देखो, ये देखो काली विद्या कर, लाइट लगाओ ना सही से। हाँ पूरा दिखाओ, ये क्या हो घोड़ पीछे रह गया तो तेरे को मना बोला यार, चलो अभी भाई यहाँ नहीं रुक सकते, सही में बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है, चलो यहाँ से निकले। वो बहुत डेंजर है, कितना डरावना था वो, बाप रे बहुत ही डरावना है। यहाँ से हमको निकलने में निकलने का भला, यहाँ से निकलते हैं यहाँ से। आगे आके जो भी बोलना अपनी बात रखना है इसकी दिक्कत भी। चलो यार, हाँ चलो चलो भाई चलो। अरे यार बहुत डेंजर है वो, एक बात मैं आपको बता दूँ क्या, अगर हम उस तांत्रिक के पास में जाते हैं तो हमारी मृत्यु, हमारी मृत्यु निश्चिंत निश्चिंत है हमारी मृत्यु। अगर हमने उस तांत्रिक के पास में अगर जाकर हम अगर बैठ गए उसकी विद्या में, अगर हमने खलल पटक दी मेरे भाइयों, तो हमारी मृत्यु निश्चिंत है। मेरी आज मृत्यु हो जाती वहां पर उस तांत्रिक के पास में बैठा हुआ था, अगर भाइयों ने उठा के मुझे यहाँ पे साइड में नहीं लाते ना मेरे भाइयों, तो मेरी मृत्यु निश्चिंत थी वहां पर, और वो मुझे तांत्रिक वहां पर मार देता। उसके पास में ऐसी कौन सी गुड़िया है कि उसकी वजह से वो खंजर डाल डाल कर मार रहा है लोगों को, खंजर डाल डाल कर मार रहा है। टाइम ज्यादा हो गया, 12:30 बज गई है, 12:30 बज गई है मेरे भाइयों। तो आपका भाई आपसे विदा लेता है, मतलब कि उसने इतना मारा है हमको, इतना मारा है कि हमारी मेरी तो हलने चलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ मेरे भाइयों कि तांत्रिक बहुत खतरनाक है, अघोरी बाबा के सिवा हमसे कुछ नहीं होगा। तो आपका भाई आपसे अब विदा लेता है, जय हिंद जय भारत, चलते हैं। चलो यार।